और मोदी जी से मिलेंगे। और नमस्कार, मैं हूँ कुणाल कुमार, रात्रि के रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम NH80 पे रात्रि में निकले थे तो हमको एक चलता हुआ मुसाफिर जो तिरंगा लेकर के देशभक्ति का नमूना पेश करते हुए भागलपुर से निकले हैं दिल्ली की ओर। आखिर क्यों निकले हैं भागलपुर से दिल्ली की ओर ये महान देशभक्त सख्त हाथ में तिरंगा लिए हुए? इनसे हम जानेंगे कि आखिर आप क्यों तिरंगा लिए दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। जी सर, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं और अपने देश के ब्रिटेन में अपने देश का चीज रखा हुआ है ब्रिटेन में। क्या चीज रखा है ब्रिटेन? ब्रिटेन में तो ऐसे तो बहुत सारा चीजें रखा गया है। तो ये सुल्तानगंज का जो मुख्य चीज रखा गया है बर्गिंगम में सुल्तानगंज बुद्धा, उसको हम मान्य प्रधान, मतलब ये जो आपके टी शर्ट पर जो छपा हुआ है भगवान गौतम बुद्ध का मूर्ति स्टेचू, ये इंग्लैंड चला गया है। कब ये इंग्लैंड गया था? 1862 में ये इंग्लैंड चला गया और इसको लाने के लिए आप पद यात्रा पे निकले हैं। जी सर। तो आपकी पद यात्रा कब शुरू हुई थी और कहाँ से शुरू हुई? 12 मार्च को मेरा कल पद यात्रा मेरा स्टार्ट हुआ है और आज मैं लखीसराय पहुंचने वाला हूं। आज आप लखीसराय पहुंचे, कितना दिन में दिल्ली पहुंच जाइएगा? ऐसे तो लक्ष्य मैं रखा हूं 35 दिन का। 35 दिन में 35 किलोमीटर पर डे मेरे को मुझे चलना है। और हजारों किलोमीटर की यात्रा में आपको समस्याएं भी बहुत होती होगी, आखिर भोजन कहाँ से मिलता होगा? इतना तो ये है कि अपना देश वासी जो कहते हैं ना कि हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी हैं। आज मुझे देखने के लिए मिल रहा है, ये हकीकत है। कितना भी कुछ हो जाए लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं। मुझे देखता है तो लोग पानी खाना ये आकर के देता। मैं तो सिर्फ घर से 500 रुपया लेकर के 1000 रुपया लेकर के, मतलब 500 लेकर के निकले, हजारों किलोमीटर की यात्रा देश की राजधानी तक आपको तय करना है और फिर भी किसी प्रकार के संसाधन की कमी नहीं होती? नहीं, कुछ भी नहीं। और लोग मुझे आकर के जो है कि पानी की बोतल, खाना, लोग कहता है कि वो आज सर आप रात भर यही वेट कर लीजिए, सवेरे आप निकलिए। मतलब लोग आपको बोलते हैं कि आज यही सो जाइए? जी जी। खाना भी लोग मुफ्त में देते हैं? जी जी जी, बोलते हैं यही तो अपना है हिंदुस्तानी, यही चीज है। आज मुझे सुनने के लिए मिलता था, आज मुझे देखने के लिए मिल गया। जब आप निकले हैं तिरंगा लेकर के तो सब लोग आपके स्वागत में खड़े रहते हैं हर जगह। अगर वो कोई मिल जाता है, अभी आप ही सर मिले तो कैसे आप बोले कि सर आप पानी ले लीजिए सर। और अच्छा लगा, इसी तरह से लोग मुझे कोऑपरेट करते हैं कि नहीं आप अच्छे चीज करने के लिए निकले हैं, आप देश के लिए आप निकले हैं। आप तो क्या उम्मीद है मोदी जी आपसे मिलेंगे तो आप क्या मोदी जी से मांगिएगा? मांगेंगे यही चीज की अपना जो सुल्तानगंज बुद्धा है अपना धरोहर वापस इंडिया लाए। मतलब इस बुद्ध भगवान की मूर्ति के लिए आप पदयात्रा पे निकले हैं और मोदी जी से मिलेंगे और उसके बाद मोदी जी से मांग रखेंगे? जी सर। तो आप अपने परिवार वालों की इच्छा से निकले, मतलब पत्नी शादीशुदा हैं? जी सर। तो पत्नी जी से पूछ लिए थे यात्रा? जी, सभी लोग बोले कोऑपरेट कर रहा है कि नहीं आप अच्छा। तो पत्नी बोल दी कि जाइए दिल्ली पैदल? जी जी। भाई पत्नी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ? नहीं, प्रेम से अनुमति मिल गया। सोचिए, ये शख्स को आप देख सकते हैं जहाँ पर देश में थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए आज मारा मारी हो रहा है, वहीं पर ये शख्स ब्रिटेन से अपनी मांग मंगवाने को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक भागलपुर के सुल्तानगंज से पैदल चल चुका है और ये पैदल भागलपुर से लखीसराय पहुंच चुका है और धीरे धीरे ये पटना, लखनऊ, बनारस सभी जगहों की यात्रा करते हुए ये देश की राजधानी दिल्ली जाएगा और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलकर अपनी बात को रखेंगे और फिर उम्मीद है इनको कि ये बुद्धा जो है सुल्तानगंज से जिनकी मूर्ति उखड़ी थी वहां के रेलवे स्टेशन के निर्माण में 18वीं शताब्दी में, और वो मूर्ति भारत देश को मिलेगा। देखते रहिए KTV भारत। जय हिंद।